एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह मूल संख्या का एक बटा पांच जोड़ा गया। मूल संख्या में ना का लगल है विद्यार्थी जी, यानी मूल संख्या अगर पांच तो जोड़ा गया एक यानी नई संख्या, तो रेशियो पूछा जा रहा है नई संख्या और मूल संख्या। तो रेशियो लिखते वक्त आंसर देते वक्त देखिएगा छह अनुपात, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा? अगर मूल संख्या और नई संख्या पूछता तब देते पांच अनुपात। बढ़े आगे, 12, 13, 14, 15, ध्यान दीजिएगा संख्या का पांच बटा बारह घटाया गया नहीं, तो संख्या में का लगल है यानी मूल संख्या अगर 12 तो घटाया गया 5 यानी नई संख्या। तो रेशियो पूछ रहा है नई संख्या और मूल संख्या यानी 7 अनुपात, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा? सही है, हालांकि इंग्लिश में उल्टा लिखा है प्राइमरी और न्यू, तो प्राइमरी मतलब पहले वाले और न्यू मतलब नए वाले, हर प्रश्न परीक्षा में एक ही रहेगा। बढ़े ना आगे, 16 कल सिखाए थे जी, तो इस तो बात वही हो गया है ना, पढ़ाए थे कि नहीं? कुल फल में कहां लगल है विद्यार्थी जी? कुल फल का 3/8 आम है, यहाँ कुछ ना लिखा हुआ है तो समझना होगा इसी का। कुल फल का 7/12 केला है, तो कुल फल ऐसा मानिए जो 8 से भी कटे, और क्यों ऐसा सिखाए थे ना, तो 8 और 12 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए 3 से गुना नहीं, 3 थिया आम की संख्या विद्यार्थी जी 9। सही है, 24 लाने के लिए 2 से गुनानी 7 दुनी 14 हो गया विद्यार्थी जी केला की संख्या। आज शेष बचेगा जो सेव, तो टोटल 24 माने थे तो 9 और 14 23, अनि शेष कितना? क्या आंसर देने आ गया? कल पढ़ाए थे ना 17 18, तू ना पढ़े बड़ा बंदा है जी, क्योंकि जो 16 है वही 17 है वही नहीं। कुल पूंजी का 3/20, दूसरे ने लगाया कुल पूंजी का 4/4, तो कुल पूंजी ऐसा माने जो 20 और 15 से कट जाए, कितना? 60 लाने के लिए 3 से गुना नहीं, 3 3 9, 60 लाने के लिए 4 से गुना नहीं, 4 6 16। अब शेष बचेगा जो 80, तो 60 में 25 घटा देंगे कितना? टोटल 60 न माने थे, बन जाएंगे 19 20। चलिए, अनुपात समान राशि के साथ होता है विद्यार्थी जी, 27 केजी दिया हुआ है 100 108 ना। अब रेशियो लाने के लिए दोनों को सेम में बदलना होगा, तो 1 केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से ना, इधर तो 108 है ये है। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा 27 से कई बार में, और 4 से 25 बार में, आंसर हो जाएगा 250 अनुपात। सच में सब नहीं जानते आप लोग,
कल तो हम बताए भी थे कि अनुपात समान यूनिट के साथ होता है, मतलब ये ग्राम में है विद्यार्थी जी थे भी, तो ग्राम में लाने के लिए केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना जानते हैं ना, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम से ग्राम कट जाएंगे। 27 से 4 बार में 4 से 25 400 होता है, यानी 250 अनुपात। आसान है भाई, बढ़े। 21, चलिए ध्यान दीजिएगा, गप मत कीजिए। अगर मैं आप लोग से बोल दूं कि x प्लस वाई का मान 20 है और x माइनस वाई का मान 6 है, तो x का मान कितना होगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो वाई वाई कट जाएगा, 2x और 26 यानी x का मान। अगर वाई का मान निकालना होगा तो घटाइएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 2y = 14 यानी वाई का मान। ये सब जानते हैं ना, तो इसी को हम आप लोगों की भाषा में बोल दिए कि यदि दो राशि का योग, योग का मतलब सम, और दो राशि का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस, तो दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे और छोटी राशि निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग, आद रह जाएंगे। तो दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग। एक आध लाख बार बोलेंगे इस लाइन को, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे ख्याल से जो नंबर सिस्टम से पढ़ रहे होंगे 50 बार तो सुन लिए होंगे। तो जब कभी भी दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग। तो भाई जी, दो राशि का जोग दिया हुआ है, ये दो राशि का है दिया हुआ, तो जोग और अंतर दिया हुआ है तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 22.5/2 और घटा के दूसरे भाग मान लो 17.5/2। अब हल करिएगा तो 2 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव भी, अब 25 × 2 = 25, 25 = 7 यानी आंसर जल्दी बोलिए 9:7। आंसर देने आ गया। तो जब कभी भी दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए भाई जी जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि के लिए घटा के दूसरे, बन जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब बातें चल जाए रेशियो का तो मन करे तो आप यहां भी काट सकते हैं, दशमलव हटेगा इधर 0 आ जाएगा, ये 8 बार में, और ये रेशियो पूछ रहा है, यहां भी काट सकते हैं। अब जोग और अंतर मालूम है तो बड़ा राशि जोड़ के दूसरे भाग और छोटा राशि घटा के दूसरे भाग, तो 2 कटिए जाएगा। अच्छे विद्यार्थी रहते हैं जो 2 मन में ही हटा देते हैं, अर्थात एक बार जोड़ देते हैं, एक बार कब जब रेशियो निकालना रहता है तब, लेकिन अगर निकालना रहे तो याद रखिएगा जोड़ के दूसरे भाग और घटा के दूसरे, लेकिन जब रेशियो निकालना रहे तो 2 कट जाता है, ऐसे 2 ना भी बोले तो काम चल जाए। बढ़े आगे भाई, 22, 23, स्काउट टीम के 8/15 सदस्य लड़कियां हैं, यानी टीम में टोटल 15 तो लड़की है 8, यानी लड़का हो जाएंगे 7। तो पूछा क्या जा रहा, लड़की के लिए लड़कों का अनुपात नहीं, तो जल्दी बोलिए 7:8। अच्छा, लड़की के लिए लड़कों का अनुपात नहीं, तो ध्यान दीजिए, लड़की के लिए मतलब लड़की से पूछा जा रहा, किससे पूछा जा रहा, लड़की से पूछा जा रहा, मतलब लड़की नीचे
और लड़का की संख्या ऊपर, सही है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स किसके साथ, का या से किसमें लगा हुआ, तो लड़की की संख्या नीचे और लड़का की संख्या ऊपर, यानी आंसर कौन देंगे, बन जाएंगे 24। 6 घंटा विद्यार्थी जी, इधर कई दिन है, 3 दिन का मतलब समझते हैं कई घंटा, अनुपात समान रेशियो के साथ ना होता है। अब घंटा से घंटा खत्म, 6 अनुपात 1, 1 दिन में 24 घंटे है ना, पता आप लोग को। 25, 26, 1 घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के वेग का अनुपात, रुके 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 हड़बड़ाइए नहीं, घड़ी ऐसे होता है ना, तो मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगा तो घड़ी की सुई पूरा 1 घर है ना, घंटा की सुई 1 घर चलता है तो मिनट की सुई पूरा 12 घर, 1 चक्कर मतलब, हाँ या ना। आप अगर घड़ी देख रहे होंगे तो मिनट की सुई जितना देर में 1 चक्कर मतलब 12 घर, तो घंटा की सुई मात्र नहीं, घंटा की सुई 4 से 5 तक जाते जाते मिनट की सुई पूरा, तो यानी घंटा की सुई 1 घर तो मिनट की सुई, यानी चाल का अनुपात हो जाएगा विद्यार्थी जी 1:1, घंटे की सुई और मिनट की सुई, मतलब घंटा वाला पहले मिनट वाला बनेगा। तेज कौन चलता है, घंटा की मिनट, तो मिनट का चाल ज्यादा घंटा का चाल कम, कितना ज्यादा, तो घंटा वाले 1 घर और मिनट वाले, तो घंटा के लिए लिखिएगा 1, तो मिनट के लिए लिखिएगा आंसर 1:1, आंसर देने आ जाएंगे वो, घंटा और मिनट के लिखा है 5:60, तो घंटा का चाल 5 और मिनट का चाल 60 होता है, ऐसा जानते हैं, तो जो पढ़ा रहे हो देखिए ना, आप आंसर पे जाइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा ना। हाँ, आपको जो हम बता रहे हैं वो दिमाग में कुछ गड़बड़ लग रहा था जरूर बोलिएगा, हालांकि बहुत सारे जगह पढ़ने जाइएगा तो बोलेगा, तीसरे जगह का बोलेगा सर लगता है सी होगा, अच्छा अच्छा सीए होगा, तो मैथ में नहीं होता है वो, जीके इंग्लिश में होता हो, मैथ में 2 जोड़ 2 4 यहां भी होगा और 2 जोड़ 2 4 चंद्रमा पर भी होगा, नहीं जीके में यहां कुछ और होगा आगे कुछ, जैसे भाई इतिहास लिखा गया, मान लीजिए अंग्रेज लोग आया तो हम लोग गाली देते, वहां भी तो इतिहास पढ़ा जाता होगा, तो अंग्रेज लोग क्या लिखा होगा कि हम भारत में गए सब कुछ बनाए उनाए, जब उसको रहने लायक बनाए तो हमको मार के भगा दिया, क्या वो लिखेगा कि हम बड़ी करस कर रहे थे हम सबको मार रहे थे इसलिए मार के भगा दिया, ऐसा लिखेगा, तो उसका इतिहास अलग आपका इतिहास, वो बोला हम कभी ट्रेन देखा नहीं था, हम भारत में जाकर ट्रेन चला दिए, कभी एकजुट होकर शासन किया नहीं था, हम सबको एकजुट होकर शासन करा रहे थे, और जब कुछ सीख लिया कुल 2-4 वो अब विद्रोह करके हमरे भगा दिया, यह ना लिखा होगा, तो वो चेंज होगा, लेकिन यहां चेंज सही है, सही आंसर पे गधा वाला बात को मत कीजिएगा, देखिए ये गधा वो समझता है कि मिनट वाला सुई पूरा 1 चक्कर चलेगा मतलब कई घर, तो घंटा वाला चलेगा 12 से या 1 से 2 जाएगा 1 घर, तब तक मिनट वाला सुई पूरा, जब तक वो 1 चक्कर लगाएगा नहीं घंटा वाला 1 घर होने वाला, हाँ या ना, तो 1:12 ही होगा। बढ़े आगे 27, अब ध्यान दीजिएगा,
उमेश कपिल क्रम से इतना इतना रुपए दान दिए गए, तो दान दी गई राशि का अनुपात रेशियो पूछ रहा और क्या। एक ने 750 दिया, एक ने 900, तो रेशियो नहीं निकालने आएगा। 25 से काट लीजिए विद्यार्थी जी 30 बार में, 25 से काटिए 39 बार, 3 से काटिए 10 बार में, 3 से काटिए, आंसर कितना हो जाएगा, बन जाएंगे रे गप। इतना आसान में पूछ रहा हो, गप कर रहा है तो क्लास 4-5 का बच्चा भी पढ़ेगा जो बना देगा, नहीं बनाएगा। इन दोनों को दान दिया उसका रेशियो पूछ रहा है। एक ने बनाया 20 रन, एक ने बनाया 30 रन, रेशियो कितना हुआ, तो नहीं बनाएगा दो अनुपात। एक ने 100 रुपया कमाया, एक ने 500 रुपया कमाया, तो रेशियो पूछेगा, एक अनुपात 5 नहीं होगा जी। एक ने 10 रोटी खाया, एक ने 6 रोटी खाया, रेशियो बताओ, तो 5:3 नहीं होगा। एक ने इतना दान दिया, दूसरे ने इतना दान दिया, तो रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या बताओ। इसे हल नहीं करने आता भाई तो कैसे पढ़ोगे, काटने आएगा ना आप लोग को। 25 से भाग देने के लिए सबको सिखाए हैं, 3 से कट जाएगा, 10 बार में 3 से कट जाएगा, यानी रेशियो जल्दी बोलिए 10:3 28। ध्यान दीजिएगा, जॉन और जोसेफ के पास 19,000 रुपये और 26,000 रुपये है। जॉन जोसेफ के 1,000 रुपये दे देता है, तो जॉन और जोसेफ के पास देखिए, जॉन के पास कितना 19,000 और जोसेफ के पास कितना, और जोसेफ ने जॉन को 1,000 दे दिया, यानी इसके पास बचेगा 25,000 है, इसके पास हो जाएगा 1,000 कट जाएगा। रेशियो जल्दी बोलिए, और आप लोग क्या पढ़ रहे हो भाई, आज तक पूरी लाइफ में नहीं क्वेश्चन हमसे कोई पूछा। फिर से, इसके पास 26,000 रुपया था तो 1,000 दे दिया, नहीं बचा कितना, और इसके पास 19,000 था तो 1,000 मिल गया, था कितना हो गया 20। ये सब भी बताना है, गप नहीं। 29, 23, 1 हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं, बनाने के तरीके मत सोचिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा बन जाएगा। एक जहाज में 500 यात्री सवार हैं, जिसमें 45% पुरुष, 20% बच्चे हैं, तब पुरुष और महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात, पुरुष भी है महिला भी है, और पुरुष कितना है 45%, बच्चा कितना है, अब परसेंट का मतलब 100 होता है, नहीं कितना, अब रेशियो ही पूछा जा रहा है, इसलिए 500 से मतलब रखने की जरूरत भी। पुरुष 45%, बच्चा 20%, तो 65, यानी महिला कितना 35, लगता है 5 से कट रहा है, 9, 7, 4, क्या आंसर दे पाएंगे आप लोग, आसान है, बोल नहीं रहे आप लोग। 31, 31, 32 आप लोग को किताब में देखिए, हमारा गड़बड़ होला है। 32 बना के आए तो बोलिएगा, पूछना रहेगा तो, बन गए 33, चलिए 33, 33 गप कर रहे हो जी, शांत रहो ना भाई, गप करना है तो बाहर निकलो। 33 क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी जी, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:5, तो 5:7 है,
तो इसका जोगफल कौन हो सकता है, इसका जोगफल कौन हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 54, 60, 60। अब जोगफल कितना है? 12। तो रेशियो में कोई ना कोई समान संख्या से गुना होगा, मतलब आंसर 12 के मल्टीपल बनाए ना होगा, यानी वही आंसर होगा जो 12 से कटेगा। तब 12 से ही कटेगा क्या? अर्थात इसका जोगफल कौन संभव है? आया समझ में? तो जब भी कहे, अगर पूछता पहली संख्या कौन हो सकता है, मतलब 5 के मल्टीपल में जाएगा, दूसरी संख्या कौन हो सकता है तो 7 के मल्टीपल में, जोगफल कौन होगा तो 12 के मल्टीपल में, अगर पूछता अंतर कौन होगा तो 2 के मल्टीपल में हो जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, लिख लीजिए। राजगीर से खुलने वाली ट्रेन के एक डिब्बे में कुल 92 यात्री सवार थे। 92 यात्री सवार थे, इसमें से कुछ यात्री बिहार शरीफ स्टेशन पर उतर गए। बिहार शरीफ स्टेशन पर उतर गए तथा शेष पटना के लिए रवाना हो गए। तो बताएं कि बिहार शरीफ उतरने वाले तथा पटना जाने वाले यात्री का अनुपात निम्नलिखित में से कौन संभव है? बिहार शरीफ उतरने वाले तथा पटना जाने वाले यात्रियों का अनुपात निम्नलिखित में से, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लू बस इतना ही है कि टोटल यात्री कितना है, तो यात्री की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है, पूर्ण संख्या में न होगी। कोई बोलेगा कि 13 आदमी उतर गया, कैसे उतारिएगा? 12 आदमी है, वो के 6 इंच काट के। यात्री की संख्या जब भी होगी तो पूरे तो वही आंसर होगा जो 92 को आसानी से काट दे। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ था 3:5, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था 4:3, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ था 7:2, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ था 12:11। तो ध्यान दीजिए, यात्री की संख्या पूर्ण संख्या में होती है, अर्थात ये 92 के ही पहाड़ा में, इसकी का पहाड़ा में 92 मिलना चाहिए। तो क्या ये 8 के पहाड़ा में मिलेगा? क्या 7 से कटेगा? क्या 9 से कटेगा? अर्थात किससे कटेगा विद्यार्थी जी?
23 से कट जाएगा ना चार बार, इसका मतलब कौन सा हो सकता है? तो जैसा ही पूर्ण संख्या की बात करेगा तभी आंसर पूछेगा। तो आदमी के बारे में जानते हैं अपने आप वो पूर्ण संख्या में होता है, हाँ या ना? जैसे इस पे एक और क्वेश्चन और आता है, लिखिएगा। एक व्यक्ति के पास 15 दर्जन अंडे थे, इसमें से कुछ अंडे गिर जाने से कुछ अंडे टूट गए, तो बताएं कि टूटे हुए अंडे तथा बिना टूटे अंडे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, अंडा भी जब टूटता है तो ऐसा नहीं टूटता, कहेंगे एक वो क्या आधे तोड़ो, कैसे तोड़िएगा? वो तो थोड़ा सा भी टूटा मतलब अंडा की संख्या को कहेगा कि नहीं 4.5 अंडा तोड़ी, तो 4.5 कैसे तोड़िएगा? वो तो आधा अलग खुद टूटा है, तोड़ेंगे कैसे? तो टूटा और बिना टूटा का मतलब ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो कह रहा कौन नहीं हो सकता है, तब क्या पूछ रहा है? तो नहीं वाले कौन हो सकता है? तो पहला ऑप्शन 2:3, दूसरा ऑप्शन 7:5, तीसरा ऑप्शन 7:2, चौथा ऑप्शन 7:6। तो 15 दर्जन से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, 15 दर्जन को समझ लीजिए 100, अब 180 अंडा है, 180 किससे नहीं कटेगा वही ना आंसर होगा। तो 5 से तो कट ही जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 9 से भी, ये 13 से कटने वाला यानी कौन नहीं हो सकता है? जल्दी बोलिए, क्या बन पाना चाहिए? फिर से बना लीजिएगा ना, लिखिएगा। एक छात्रावास में कुछ लड़के तथा लड़कियां 5:6 के अनुपात में रहती है, अनुपात में रहते हैं, तो निम्न में से कौन पूरे विद्यार्थी की संख्या को दर्शाता है?
निम्नलिखित में से कौन पूरे विद्यार्थी की संख्या को दर्शाता है? पहला लिखिएगा 1200, दूसरा 1700, तीसरा 1800, चौथा 2200। मतलब अब समझाने की जरूरत नहीं। लड़के लड़की की संख्या अपने आप में समझते हैं कि वो पूर्ण संख्या में होगी डेसिमल में। तो कौन पूर्ण संख्या में हो सकता है भाई? तो जो 11 से कट जाए, तो 11 से ये सब कटने वाला आंसर कौन हो जाएगा, बन जाएंगे। बहुत अच्छा, कितना था? 33, 34 बन गए। अब आ जाइए टाइप, 1 2, पूछना है शर्माना नहीं है, 2। एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के, तो जैसे ही दो राशि बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा वाला, तो आप लोग को सिखाने के लिए पहले 0.08 इधर हो जाएगा, 0.6 इधर ना हो जाएंगे। ये दो अंक के बाद दशमलव, इसको भी दो अंक बना लिए। अभी दशमलव से दशमलव, 4 से 8, 4 × 8 15 × 4, यानी 2:15 बनाने आया। तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर कहे विद्यार्थी जी, तो पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा वाला, तो 0.08 इधर हो गया और 0.60 इधर न हो गया। अब आपके मन में, बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा 6 है तो 60 का ही लिख दिए, दशमलव के बाद जितना भी जीरो बैठा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक उसके बाद कोई अंक ना आ जाए, है ना। तब बोलिएगा बैठाएंगे क्यों? क्योंकि दो अंक है तो इसको भी दो अंक बना लेंगे, तो हल करने में आसानी होगी। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 4 × 8 15 × 6, आसानी से आंसर देने आ जाएगा। 3, दो संख्याओं का अंतर योगफल का, दो संख्याओं का अंतर योगफल का किसमें का लगल है भाई? योगफल में का लगल है? तो परसेंट का मतलब बटा में 100 ना होता है, यानी योगफल 100 तो अंतर। क्या आपको लिखे हो समझ में आया? तो समझाने के लिए लिखे, अपने आप समझिएगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो योगफल में का लगल है, यानी योगफल 100 तो अंतर 45 बोलने आएगा। अब कटता है तो काट लीजिए, 5 से 9 बार में 5 से, और जोग और अंतर मालूम हो तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि निकालने के लिए घटा के दूसरे, और दूध लिखे चाहे ना लिखे, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए, बन पाएंगे? तो जब कभी भी दो राशि का जोग और अंतर दिया रहे, तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग, बन जाएंगे। रटना नहीं है, बनाओ, कहानी खत्म। बन गया 4 5, जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है उलट दे भाई, तो 3/4 इधर आ जाएगा और 60% उधर ना, तो 60% को क्या बोलते हैं? सही है, 3 से 3 खत्म, हर के एलसीएम, अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो एलसीएम से गुना करिएगा ना, तो 20 से गुना करिए, 5 और 1 बन जाएंगे। किन हम अगर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, इस ए का 60%, बी का 75%, इसको पढ़ लेते हैं। 3/4 को 75% बोल सकते हैं,
जैसे ही 82 बराबर है तो तुलट तुलट देंगे 75 इधर 60 इधर, यानी 15 पचे 75 और 15 चौ यानी रेशियो 5:4। फिर से भाई, तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशियंट को उलट दें। बढ़े आगे, 6 नए बनाए पूछिए, कोई बेइज्जती नहीं है, बन गया है क्या? तो बोलो ना, नए बनाए तो तुम्हारा पैर पकड़ के पूछे, दिक्कत है तो आओ तुम्हारा पैर धर लेते हैं, ऐसे ज्यादा कैसे पूछ सकते हैं। एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के, तो जैसा ही बराबर शब्द सुने तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला तो 0.07 इधर और आधा इधर, आधा को 0.5 ना बोलते हैं, और दशमलव हटे दो गो है तो इधर भी दो गो बना लेंगे, दशमलव से दशमलव। आंसर जल्दी बोलिए, फिर से, एक संख्या का आधा, आधा का मतलब 0.5 होता है ना भाई, ये जब पॉइंट में तो दूसरों को पॉइंट में पढ़े, अगर ये भिन्न में रहता तो इसको 1/2 पढ़ते, वो अपनी सोचना है। तो पहले का आधा दूसरे के 0.07 के बराबर है, तो जैसे ही बराबर है तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला बन जाएंगे 7। 5 केला का मूल 3 संतरे के मूल के जैसे ही बराबर है विद्यार्थी जी, तो केला और संतरा का मूल का रेशियो हो जाएगा 3:5। उलट जाएंगे ना, जैसे ही दो राशि बराबर हो तो केला वाला संतरा के लिए, संतरा वाला, एक केला और एक संतरा का निकला, अगर परीक्षा में पूछ देगा 10 केला 20 संतरा तो इसमें 10 से गुना, इसमें कह देगा 4 केला 15 संतरा तो इसमें 4 से गुना इसमें, लेकिन एकक का ही पूछ रहा, अर्थात आंसर हो जाएगा 3:5। पढ़ा हुआ है 8, बोलने में शर्माइए नहीं, बना दें 9, ये थोड़ा अलग है सीखे, लिखा हुआ पहले का 2/5, पहले का 2/5, गप मत कीजिए, केवल ना समझ में आए 100 बार पूछिए, गप मत कीजिए और चुप भी मत रहिए, लेकिन काम वाली चीजें बोलिए। पहले का 2/5 दूसरे के 3/4 का रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी 6:5, इसका मतलब समझिएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 या इसका वैल्यू दिया हुआ, तो इतना का मान 6 होने का मतलब है विद्यार्थी जी, a का मान निकालने के लिए उलट के उधर गुना हो जाएगा, तब 5 ऊपर और 2 नीचे, यानी 30/2 का मतलब 15, उसी तरह ये भी उलट के ऊपर हो जाएगा तो 28/3, हर कैल्शियम 3 से गुना यानी 45। और जल्दी बोलिए ए और बी का रेशियो कितना हो गया, नए समझो उनको फिर से, 2/5 ए बराबर 6 है तो ए का मान कैसे निकालते होंगे, जल्दी बोलिए, इधर गुना में तो उधर जो उलट जाएगा, बोलिए नहीं रहे, उसी तरह से बी का मान निकालने के लिए उलट के गुना होगा तो 28/3 आएगा, सही है, बन जाना चाहिए। बढ़े आगे, अब मन में एक सवाल होता होगा, ई दिल है जे सर, हमें रेशियो नहीं, जो चाहिए वो निकल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। 10 सीखिएगा, लड़कों की संख्या का 1/3, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं आप समझिए, लड़कों की संख्या का 1/3 लड़कियों की संख्या के 50%, 50% का मतलब के बराबर है लिखा हुआ, तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो उलटने के तरीके भिन्न में सिखाए थे,
एक बटा तीन का उल्टा, एक बटा दो का उल्टा। क्या आप लोगों को आंसर आ गया? अब आ गया तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर गलती से आगे पढ़ भी लिए तो आंसर में कोई बदलाव नहीं। सीखे क्या लिखल है? लड़कियों की संख्या का 10%, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों के 1/15 है, लड़कों का 1/1। तो लड़का लड़की का रेशियो निकालने के लिए विद्यार्थी जी 1/15 का उल्टा 15, 1/10 का उल्टा, यानी कट के आ जाएगा। देखिए यही आया जी। तो जब आंसर मालूम हो जाए तो आगे क्या दिया हुआ उससे कोई लेन देन नहीं है, बन जाना चाहिए। हम समझाने के लिए ले गए, आपको इधर लिखना नहीं है परीक्षा में, निकल गया आंसर, कहानी खत्म। 11 स्पेशली कल इस पे बताए थे भाई। तुम अगर बोलना चाह रहे हो कि हम पढ़ने आए तो हम बोलेंगे तुम मजाक करने आए हो, नहीं तो आप भी बोलिए कि सर आप जो गलत बोल रहे हैं। तीन राशि जब बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए सिखाए थे। 1, 3, 1 से कटने वाली राशि, 3 लाने के लिए इसको 3 से गुना, 3 ऊपर, 3 थिया, 3 लाने के लिए 1 से ऊपर गुना, 4 ऊपर, 3 लाने के लिए 3 से गुना, 6 ऊपर। कल बताए थे ऐसा, बोलिए नहीं रहे। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर करने की तरीके सिखाए हैं, ऊपर वाले पे फोकस कीजिए। 1, 3, 1 से कटने वाली राशि 3, 3 लाने के लिए 3 से गुना, 3 और ऊपर हो गया था 3 थी 9, 3 लाने के लिए 1 से गुना, 4 ऊपर हो गया, 3 का 4, 3 लाने के लिए 3 से गुना, 6 से गुना, 6 थी 8। आशा करें समझ में आ गया होगा। 12 बोल रहा है, देखो ये भी पढ़ने आ गया। जैसा ही 2 राशि आपस में बराबर हो तो क्या बोले, उलट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी 15:5 से काट दीजिए 3। और इतना कमजोर लड़का नहीं पढ़ता था मेरे यहां, सच में पूछने लायक है। ये लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ है कि सब पहला दूसरा का चीज है भाई, गप मत करें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बना, इन लोग कर किए जो पूछ रहा कर क्या क्या है एजे वो पढ़ने में। देखिए मैंने देखा है मैक्सिमम जो नए कुछ पढ़ने में रहेगा ना रिसर्च बहुत ज्यादा करेगा, ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाला कुछ बंदे आया था कोची पढ़िए पूछ ले भी वजे। अच्छा ये ऐसे लिखा, अच्छा पूछ ले जी सर, और मैं तो सब तो यहाँ काले में लिखल है, तो बना के आएगा तब ना पता चलेगा कौन पूछना और कौन। 13, एक कॉलेज में 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की 1/3 के बराबर है। 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20। लड़कियों की संख्या के 1/3 के, मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन लिखा हुआ देख लीजिए। लड़कों का 15% लड़कियों के 1/3 के, तो जैसा ही 2 राशि आपस में बराबर हो तो रेशियो लिखने की तरीके सिखाए हैं। 3 और 1 से कटने वाली राशि, 3 लाने के लिए 1 से गुना, 20 ऊपर चला जाएगा। 3 लाने के लिए 3 से गुना, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 20:1। अगर जल्दीबाजी में है तो लड़का का 15% लड़की के लिए यानी 15/100, लड़की का 1/3 लड़का के लिए यानी 1/3। अब हर कैल्शियम से गुना कर दीजिए, हर कैल्शियम से गुना कर लीजिएगा, 5 या 15 20 25 100 एल्शियम कितना आ जाएगा 60 ना, 60 से गुना करिएगा 20,
साठ से गुना करिएगा, तीन बार में तीन थिया, रटना नहीं है। जैसे नियम कहता, नियम लगाने की तरीके सीखना है। गाड़ी चलाने का नियम रटेंगे, गाड़ी जिंदगी में नहीं चलेगा। अपने आप ब्रेक भी लगता, अपने आप एक्सीलेटर भी दबाता, अपने आप फिर हॉर्न भी बज जाते। लेकिन अगर हम उसे याद करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। चौदह नहीं बनाए पूछेंगे, चौदह पंद्रह बन गए, सोलह पूछिएगा नहीं बनाए तो, सत्रह देखिए लिखा हुआ है एक्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स का 30% बाई के 5/6 के, तो फिर तो वही आ गया बराबर है, मतलब उलट देंगे तो 5/6 इधर और 30% का मतलब 3/10 इधर होगा कि नहीं, बोलिए नहीं रहे। और जैसे ही दो राशि बराबर है तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला तो 30% मतलब होता 30/100, 100 से भाग देंगे तो 3/, अनुपात भिन्न के रूप में आ गया। एलसीएम से गुना करिए, 6 और 10 का एलसीएम, 6 और 10 का एलसीएम, और गलती से 60 भी बोल रहे हैं तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं। 30 लाने के लिए 5 से यानी 5/6, 30 लाने के लिए 3 से यानी 3/3 यानी 25:9 पढ़ा हुआ है। 18 बन गए, 19 एक स्कूल समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की छात्राओं की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के, यानी लड़कियों का 2/5 और लड़कों के 3/5 के बराबर है, यही ना लिखा हुआ है। छात्राओं मीन्स लड़कियां होता है ना, लड़कियों का 2/5 और लड़कों के 3/5 के, तो जैसे ही बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देंगे। 3 2 लिखे, समझ में आया, आगे सीखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है तो समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्रों का कितना भाग समारोह में भाग लेने वाले छात्राओं की संख्या का 2/5 होगा, सीखिएगा। समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्रों, ध्यान दीजिएगा, छात्र में कभी कलाल कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स रहेगा तो लड़का लड़की दोनों, बॉयज गर्ल्स रहेगा तो समझ ही रहे हैं नहीं, तो क्या कह रहा है देखिए, भाट इज द शेयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5 का कितना गुना, प्रश्न बोल रहा है, मैं नहीं कुछ रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा है, कुल छात्रों का कितना भाग समारोह में भाग लेने वाली छात्राओं, समारोह में भाग लेने वाली छात्राओं का 2/5 है। प्रश्न के अनुसार पढ़िए, कुल छात्र का कौन सा भाग या कितना गुना, एक ही चीज होता है, भाग लेने वाले लड़कियों के 2/5 होगा। तो के का मान निकालने के लिए विद्यार्थी जी 5 उधर चल जाएगा, आंसर 6/ होगा कि नहीं होगा। पहले तो आप लोग रेशियो निकाल लिए, लड़का लड़की का कितना रेशियो आया, जल्दी बोलिए, जल्दी ठीक से, कि 2:1 ठीक से यही आया, लिखे थे ना अभी आप लोग, अरे मूर्ख पहले इधर लड़की लिखा हुआ था, कंधे जैसे काम करो कैसे काम, सही है
अब आंसर देना है, देखिए क्या लिखा है। तो समारोह में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हो जाएगा तीन दो का कौन सा भाग या कितना गुना। समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों का दो बटा पांच होगा, लड़कियों का दो बटा पांच होगा, यानी लिखल है। तो के का मान जल्दी बोलिए, पांच उधर चल जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा। क्या आंसर देने आया, 20। फिर देखिएगा ये तीनों राशि बराबर है बंधु, तो बराबर है ये है, तो आप लोग 15, 25, 50 से कटने वाली राशि 300, 15, 25, 50 से कटने वाली राशि 150, 150 लाने के लिए x का मान जल्दी बोलिए, 150 लाने के लिए y का मान, 150 लाने के लिए जेड का मान, एलसीएम निकालने आता है ना आप लोग को, आंसर कितना होगा। ये सब कल नहीं पढ़ाए थे का, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए अगर दिक्कत है तो कटता है, तो पांतिया पपचे पंदह। अब 3, 5, 10 से कटने वाली राशि जल्दी बोलिए, 3, 5, 10 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए x की जगह 10, 30 लाने के लिए यहाँ 6, 30 लाने के लिए यहाँ, यानी आंसर जल्दी बोलिए, बताइए पढ़ाया हुआ है। 21, 22, 23 बताना है, 24, 25 चुप हो गए, 26, 27, 27 उलटना है, यहां भी उलट दिया है ना, 99 इधर, 54, 9 से कट जाएगा, 11:6 जानते हैं ना, 28, 29, 30 चलिए x का 22%, बाई का तो जल्दी बोलिए उलट दीजिएगा ना, 30 इधर 22, अब कट के आ जाएगा 15:1, लेकिन आंसर किसका देना है, 22:1 x, यानी 11:1, इन्हीं की बिना देखे मत मारिएगा, ये रेशियो किसका पूछा जा रहा है। तो पहले 22 ना विद्यार्थी जी, तो 11 उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया, बनेंगे तो फिर से इसको दोहरा लीजिएगा, बहुत सारे आज नए विद्यार्थी आए होंगे इसलिए दिक्कत हुआ होगा, रुकिएगा अभी ध्यान दीजिएगा, रेशियो स्टार्ट नहीं हुआ है, रेशियो ने पूरे अंक गणित के 9 बेसिक पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट, 9, जिसमें बताया था कल 6 तक, अभी 3 पॉइंट बाकी है, तो 6 पॉइंट का ही है, परीक्षा में भी आता हूं मैं बता रहा हूं कि पॉइंट का यूज होता है कि नहीं होता है, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, तो परीक्षा में आते रहते हैं, तो 6 पॉइंट को याद नहीं करना, सुबह 4 बजे उठ करके की रट रहे हैं जिसमें का लगा रहे हर बाकी अंश, ऐसे करेंगे तो थोड़ी को होगा, नहीं बन पाएगा, वो बनाते बनाते अपने आप, हमने बोला भाई साइकिल चलाने का नियम लिखा देंगे, साइकिल चल जाएगा, और जो नियम रट गया साइकिल चलाने का, वो जिंदगी में साइकिल चलाना कभी नहीं सीखेगा, और जो नए नियम रटा साइकिल लिया दो चार बेरा गिरते रहा वो अपने आप, तो नियम मत याद रखिए, उठेगा याद क्या रखना है, प्रैक्टिस करते जाइए वो अपने आप याद हो जाएगा। तो होमवर्क हो गया फिर से आप लोगों को,
टाइप वन, टाइप वन और टाइप टू दोहरा लेना है, सही है।